सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से कुशीनगर एयरपोर्ट के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुशीनगर एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में आपको बताऊंगा, और साथ ही दोस्तों कुशीनगर NH 28 से कुशीनगर एयरपोर्ट पर आने के लिए जो 4 लाइन का रोड बन रहा है उसके बारे में भी आपको अपडेट दूंगा। तो दोस्तों सभी अपडेट को जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, और उसी दिन हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कुशीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए उड़ानें चालू करने के लिए घोषणा की थी, और आने वाले समय में खाड़ी देशों के लिए उड़ान शुरू करने के लिए घोषणा किया गया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दो कि अभी सिर्फ कुशीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए ही उड़ान शुरू हुई है, और भारत में तेज़ी से फैल रहे ओमिक्रॉन और कम यात्रियों की वजह से मुंबई और कोलकाता की फ़्लाइट को निरस्त कर दिया गया था, और अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी बैन लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दो कि आप लोगों का बार बार सवाल आ रहा था कि कुशीनगर एयरपोर्ट से सऊदी, दुबई और कतर, कुवैत, ओमान के लिए कब फ़्लाइटें शुरू होंगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुशीनगर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, और ना ही कोई अभी अपडेट आया है जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि कुशीनगर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब शुरू होंगी। क्योंकि दोस्तों भारत में कोरोना का नया वेरियंट ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित कोई भी अभी कुशीनगर एयरपोर्ट से अपडेट नहीं आ रही है, जिससे कि मैं भी आपको खबर नहीं दे पा रहा हूँ कुशीनगर एयरपोर्ट से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि कुशीनगर एयरपोर्ट से जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले बताने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहले के मुकाबले कम भीड़ हो रही है, क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं, जिससे कि यात्री अभी हवाई सफ़र करने से बच रहे हैं। इसलिए कुशीनगर एयरपोर्ट पर अभी कोई नया अपडेट भी नहीं आ रहा है। और आगे दोस्तों आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कुशीनगर नेशनल हाईवे से जुड़कर जो रोड बन रहा है कुशीनगर एयरपोर्ट पर जाने के लिए, वो रोड यहीं से होकर गुजरेगा कुशीनगर एयरपोर्ट में जाने के लिए, 4 लेन रोड बनकर जो जा रहा है कुशीनगर एयरपोर्ट पर। दोस्तों बीते दिनों एक अपडेट आया था कुशीनगर एयरपोर्ट के 4 लेन रोड को लेकर के, जिसमें बताया गया था कि कुशीनगर एयरपोर्ट के 4 लेन का रोड का अधूरा काम जो पड़ा हुआ है वो पूरा किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए 33 करोड़ 19 लाख का बजट जारी हुआ है। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि अभी रोड पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, अभी सभी काम बंद पड़े हैं, और आगे ये दीवार आप देख रहे हैं कुशीनगर एयरपोर्ट में जाने का रास्ता यहीं से रोड बनकर जाएगा। दोस्तों ये थी कुछ जानकारियां जो आपको बतानी थी और शेयर करनी थी आपसे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ, और आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अब तक की खबरों में बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।